हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मर करण। तो आज एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसकी वजह से कि काफ़ी लोगों के जो होता है कि खेत के अंदर मतलब अपने जो किन्नू का बाग होता है उसमें जो सूख जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाए और क्या क्या ना किया जाए। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये जो है इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ पत्ते इसमें जो है वो पीले हो रहे हैं। तो इसके जैसे इसके भी देखिए, ये देखिए काफ़ी सारे पत्ते झड़ चुके हैं। जैसे ये जो एक मौसम भी है पतझड़ उसकी वजह से भी है, और इसका जैसे एक और जैसे याद से टहनियाँ जो है बिल्कुल बिल्कुल सूख चुकी है। ये देखिए जैसे ये बिल्कुल सूख चुकी है ये। तो इसका क्या कारण है, इसे बचने के लिए क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। जैसे कि आप सकते हैं काफ़ी सारे पत्ते जो है इनके पीले हो चुके हैं, ये पतझड़ की वजह से भी है और इसके एक दो कारण भी होते हैं जिसकी वजह से कि किन्नू का पौधा जो है वो सूख जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। इसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कुछ कुछ तो जैसे कि अपने कह सकते कुछ बिगनर्स होते हैं जो अपने घर पे या फिर मतलब अपने खेत के अंदर नए पौधे लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसमें बहुत पानी डाल देते हैं, डेली पानी डाल देते हैं, पानी पानी पानी। उनको लगता है कि गर्मी के मौसम है अपने इनको डेली पानी देते हैं। तो भाई किन्नू को डेली पानी नहीं चाहिए। अगर आपके पौधे छोटे हैं बहुत ज़्यादा 1-1.5 साल के या फिर 6 महीने के, तो आप उसको हफ्ते में 2 बार पानी दे सकते हो। अगर आपका पौधा कम से कम 2 साल का है तो आप उसको हफ्ते के अंदर सिर्फ 1 बार ही पानी दो। और ये बात रही गर्मी, अगर आप बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों के अंदर जो है पौधे को सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर 1 बार पानी दो, और 1 बार पानी दो वो भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं, इतना पानी दो कि उसके नीचे की जो जैसे कि आपको बताऊं, जैसे कि ये पौधा है, अब इस पौधे की जहाँ तक वो पत्ते आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ तक ये जो पत्ते आ रहे हैं ना, इसके नीचे अगर पौधा छोटा है तो एक घेरा बना के और उसमें पानी भर दो कि मतलब इतनी दूर तक ये गीला होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ तक इनके पत्तों तक आती है। अगर पौधा बड़ा है तो घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पानी डाल सकते हैं। जैसे जहाँ तक अपने को ये दिख रहा है पत्ते, वहाँ तक ये गीला होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो वहाँ तक ये जो पत्ते हैं ना, यहाँ तक गीला होना चाहिए। और ये तो रहा इसका पहला कारण। दूसरा कारण ये भी है कि इसकी सही तरह से कटिंग ना होना या फिर बहुत अधिक मात्रा में खाद घेर देना। जैसे कि इसके अंदर आप जैसे बहुत ज़्यादा अधिक में यूरिया डाया घेर देना कि भाई हमारा पौधा जल्दी बड़ा हो जाए, तो उससे भी ये पौधा सूख सकता है। बहुत सही क्वांटिटी में और सही मतलब अपने जैसे देखते हैं कि अपने बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो अपने भी बीमार होंगे ना, तो उनको भी एकदम सही चीज़ जो है सही क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। दूसरा कारण ये हुआ कि आप मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें सिर्फ गोबर की खाद ही डालें, दूसरी खाद ना ही डालें तो भी बहुत कम मात्रा में डालें, ठीक है। अब ये तो रहे दो मेन कारण पीले होने के। अगर अब ये हो रहे हैं तो इनसे बचने के उपाय क्या क्या करने चाहिए अपने। जो पहला जो उपाय है उसकी कि जब आप इसने अपने जब इसका फल ले लेते हैं, फल तोड़ लिया, तो उसके बाद में इसकी जो है ना नीचे हाथ से मतलब छोटे खुरपी से इसकी अच्छे से खोदी करवा दो। खोदी भी बहुत ज़्यादा उस जो वो अपने को जैसे आपको दिखाता हूँ वो जो मेन जो पेड़ा होता है उसके बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, उससे कम से कम ऐसे मतलब 1 गिट हाथ की जगह छोड़ के, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ये यहाँ से ऊपर दिख रहा है ना, ये जो इतनी जगह है इतनी जगह छोड़ के उसके बाहर 2-3 फुट तक अच्छे से बढ़िया खोदी करवा दो। इसके अंदर जाला बनता है, उस जाले को कटवा दिया देना चाहिए। इसके जो मेन रूट्स होती है उनको नहीं कटवाना, जो जाला बनता है उसको कटवा दे तो इसे फ़ायदा होगा। और दूसरा मतलब अच्छे से इसी कटिंग कराओ,